चैनल गर्ल्स के एटीट्यूड। आज का वीडियो ना बहुत अलग होने वाला है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं पहली बार अपने इस चैनल पे ला रही हूँ फन वीडियो। यस, टुडेज वीडियो इज अ चैलेंज, 100 रुपीज चैलेंज। आज के 100 रुपीज चैलेंज में मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और हो सके तो स्नैक्स विदाउट एक्सीडिंग दिस 100 रुपीज। और हमें ये देखना है वीडियो के एंड तक कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाती हूँ या नहीं। आई होप कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी, लेकिन देखते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आंटी स्माइल कर रही है डोसा बनाते हुए। और ये मुझे मिले मेरे 80 रुपए वापस। ये मेरा ब्रेकफास्ट, डोसा एंड नारियल की चटनी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम शायद हम लोग उत्पम ट्राई करें ना, उत्पम भी बहुत टेस्टी लग रहा है। चलिए आंटी, थैंक यू। यार ठंडी के मौसम में ना चाय तो यार बनता है, वो भी मॉर्निंग में। तो हर कोई, हर किसी के घर में अदरक वाली चाय तो जरूर बनती है ना। कमेंट करके बताना आप लोग भी चाय पीते हो या नहीं। तो गाइस, हमने वहाँ पे जो डोसा खाया था वो 20 का नहीं, वो 15 का था, और चाय है यहाँ पे 5 रुपए। सो टोटल हो गया हमारा 15 + 5 = 20 रुपीज, एंड वी आर लेफ्ट नाउ विथ 80 बक्स फॉर द होल डे, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड मे बी स्नैक्स, अगर पैसे बच गए तो। अंदर लीजिए। एक पाव भाजी बना दीजिए। और तुम क्या लोगे? सेम। दो पाव भाजी बना दीजिए। सो 30 रुपए की दो पाव भाजी होगी, 30 रुपए और 20 रुपए उधर, टोटल 50 रुपए। सी यू आफ्टर हैविंग माय लंच। अच्छे इंग्रेडिएंट्स वाले हैं, ये भी है, इससे पहले कुछ वेजीज थे, और ये बन रही है। दिस इज पाव एंड भाजी इज ऑल्सो देयर। इसमें क्या क्या है? इसमें
प्याज है, टमाटर है, भाजी है। अच्छा यार, बिल्कुल वो चाट वाला होता है ना, वो फ्लेवर आ रहा है भाजी में। नींबू है, वो भी अच्छा लगा। मेरे पास एटलीस्ट खुद का पानी तो है ही, नहीं तो फिर पानी का बॉटल भी खरीदना पड़ जाता है ना। तो अब हमारे पास कितने पैसे बचे हैं? 50 रुपीज। आई थिंक ये बहुत है यार, स्नैक्स और डिनर ही तो बचा है, हो जाएगा। Just reapply anywhere. One more tea after lunch. 5 rupees. 10 rupees. A cup of tea after having lunch. चाय हम उतना पीते नहीं हैं, लेकिन अभी हम पी रहे हैं क्योंकि ठंडी है, इसलिए चलता है ठंडी में, है ना। तो गाइज, अब शाम के ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं और आफ्टर हैविंग अ गुड ब्रेकफास्ट एंड लंच, लेकिन अब मुझे भूख लग गई है। सो अब हम लोग स्नैक्स करेंगे। स्नैक्स में वैसे तो बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन आज मेरा गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है। गोलगप्पा ऑफ 10 रुपीज, नाउ वी आर लेफ्ट विथ कितना पैसा? 35 रुपीज। हमने वहाँ 45 रुपीज़, 10 रुपये का गोलगप्पा, 55 रुपीज़। यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बाद में आपको कैलकुलेट करके बताऊँगी। इतना तो पता है कि अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हैं। गंगा आरती दिखा दी नाव से, नहीं बहुत बढ़िया पड़ेगा सर। दिस इज आवर ब्यूटीफुल रिवर गंगा। गाइस, नदी किनारे बैठ के ये प्यारा सा सीन इंजॉय करते हुए आई एम हैविंग माय सेकंड स्नैक्स, जो कि है ये मूंगफली, और इसके साथ क्योंकि ठंडी है तो चाय, है ना। और इसको फोड़ेंगे। तो गाइस, मेरा स्नैक भी हो चुका है और काइंड ऑफ मेरा पेट भी हल्का फुल्का भर गया है, और 6 बजने वाले हैं। तो अभी हम लोग निकलेंगे अपने डिनर के लिए। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि डिनर में मैं क्या करने वाली हूँ, और शायद कुछ 20-25 रुपए ही बचे हुए हैं, तो देखते हैं कि इतने में डिनर में हमें क्या मिलता है। अभी तक तो बहुत मज़ा आया है इस चैलेंज को करने में, सुबह दोपहर शाम सब कुछ अच्छे से हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप कि आपको ये मेरा चैलेंज वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने ऐसा कुछ वीडियो बनाया है, क्रिएट किया है। सो गाइज़, अपना प्यार दिखाइए, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है।
कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। सरप्राइज डिनर के लिए मैंने सेलेक्ट किया है ये बाटी चोखा, और देखने में ये बहुत टेस्टी लग रहा है। बाटी, ये है चोखा, चोखा विद ग्रीन चटनी एंड मूली, और ये है केवल 10 रुपए का। सो दिस इज माय डिनर। इसके अंदर सत्तू भी है, सत्तू वाला बाटी है ये। यार ये बहुत टेस्टी है। बाटी चोखा इतना अच्छा लगा था ना कि मैंने दोबारा एक और लिया था। तो ये टोटल मेरा डिनर हो गया था 15 रुपए का, एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि मैं इस चैलेंज में कम्प्लीटली सक्सेसफुल रही हूँ, और शायद मेरे 10-15 रुपए बचे भी हैं ना। तो गाइज, इस दुकान की स्पेशलिटी मैं बताना चाहती हूँ, जब भी आप लंका से 80 घाट की तरफ आओगे ना, आप इस दुकान पर रुक के, नॉर्मली अंकल 6 बजे के बाद लगाते, ज़रूर खाना, क्योंकि अंकल बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल सफाई से बनाते हैं। आप देख सकते हो कि अंकल फ्रेश फ्रेश बाटी बना रहे हैं, आटे की है ये। चोखा इनका बहुत टेस्टी था विथ चटनी, मूली, प्याज एंड एवरीथिंग। एंड अगर आपको ये वाला नहीं खाना है तो आपको फ्राइड जिसमें सत्तू वाला रहता है वो वाला बाटी भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, मतलब मेरे कहने पे आप ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये इतना सस्ता है, एक बाटी 5 रुपए की, और ये वाली बाटी 10 रुपए की है अंकल, ये वाली बाटी 10 रुपए की, मीन्स आपको मज़ा आ जाएगा। आपको अगर बनारस का स्ट्रीट फूड खाना है तो आप यहाँ पे एक बार आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो या गाइस, नाउ ऑन दिस नोट आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और इससे ये बिल्कुल पता चल गया 100 रुपये में मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स वाराणसी के स्ट्रीट फूड कितने सस्ते हैं। मीन्स मुझे तो ये चैलेंज करके बहुत मज़ा आया, आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। बाय बाय। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो फिर वो जो लाइक बटन है उसको दबा के, और नोटिफिकेशन बेल दबा के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, चैनल को देखते हो, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, व्यूज़ वगैरह आते हैं। तो या आई थिंक कि मैं यहाँ पे ये चैलेंज डिनर के बाद ख़त्म करने वाली हूँ, एंड आई होप कि मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चैलेंज में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप लोग मुझे बताना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।